सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। केशु राजा के समर्थन से कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव की स्थिति मजबूत। बिजावर सीट से कांग्रेस की जीत पर केशु राजा, बाला पटेल एवं क्षेत्र की जनता बनेगी विधायक चरण सिंह यादव। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चरण सिंह यादव की स्थिति केशु राजा के समर्थन के बाद काफ़ी मजबूत हो गई है। केशु राजा और चरण सिंह के एक हो जाने के बाद बिजावर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बबलू शुक्ला की बेचैनी बढ़ गई है। आज चरण सिंह यादव और केशु राजा के द्वारा ईसानगर रोड स्थित ग्रामों में जनसंपर्क किया गया, जहां ग्रामीणों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। और देखिए ये बात लगातार आप लोगों के सामने है। पाँच वर्ष निकल गए हैं, साढ़े चार साल उन्होंने केवल अपना धंधा किया है। आखिर छः महीने में उनकी निद्रा खुली जब उन्होंने कांग्रेस का कैंपेन देखा। उन्होंने रेत भी बेची, उन्होंने दारू भी बेची, हर चीज़ उन्होंने घर घर के अंदर तक पहुँचा दिया है। ये सारी जो अभी अवैध काम चल रहे हैं विधानसभा के अंदर, कांग्रेस पार्टी इन सभी कामों को बंद करेगी और अच्छे सात्विक काम क्षेत्र में होंगे। आज आपके नामांकन, आज नामांकन वापस करने का अंतिम दिवस था। आज के कार्यक्रम के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए, कोई भी तीसरी शक्ति आज के दौर आज के समय पर मैदान में है। तो जब लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है तो ये तो पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, 150 के ऊपर विधायक बन रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेसियों का, जो भी हम लोगों में छोटे मोटे मतभेद परिवार के अंदर थे, उनको हम लोग अभी चुनाव के लिए साइड में रखते हुए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद ना भैया कौन जा रहे हैं ना हम कौन जा रहे हैं, जो मतभेद हम लोग आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि रेखा जी का भी आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को और हमारे प्रत्याशी को मिलेगा और हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि मजबूती से कांग्रेस इस मैदान में रहे और विजय होके हम लोग चरण सिंह जी को भोपाल में। चलो जी, अब केशु भैया आपके समर्थन में हैं, साथ में हैं, अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, केशु भैया शुरू से ही थे, सारे लोग टिकट मांगते हैं, सब करते हैं, तो पार्टी का जो भी निर्णय हुआ उसमें उनकी सहमति है हर तरह से और आगे भी रहेगी। चरण सिंह विधायक नहीं बन रहे, विधायक यहाँ के केशु भैया हैं, मास्टर साहब बाला पटेल साहब हैं, चरण सिंह हैं, यहाँ की जनता है, वो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं चरण सिंह जी, तो क्या स्वागत देंगे बिजावर के लिए? बताए, चुनाव तो जीतना ही है, ये जनता ने मन में ठान लिया है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जनता निकल आई है बाहर। और सबको ये पता है कि रोजगार जो पलायन यहाँ का है उसको रोकने के लिए सारे हम लोग युवा एक होकर एक रणनीति बनाएंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे जिसमें यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिले, बाहर ना जाना पड़े, शाम को लौट के घर आ जाएं, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लें, पत्नी बच्चों के साथ में कुछ देर बैठ लें और बच्चों को पढ़ा लें। ये हम लोगों का एजेंडा है। सरकार ने पूरे 101 बिंदु दिए हैं जो हमारा एजेंडा है सरकार का, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, दलित आदिवासी सारे लोगों के लिए, अगड़े पिछड़ों के लिए पूरी ताकत से हर तरह से उसमें है। आप किसी न किसी बिंदु पर बाहर नहीं जाना है, पूरा घर चलेगा और खेत में पानी पहुंचेगी, लाइट पहुंचेगी, बिजली भी फ्री है और बहुत सारी शिक्षा में 1,500 रुपये मिलना है, माँ को भी सम्मानित राशि 1,500 रुपये है, ये सारी चीज़ें हैं।